सत्यकाल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज को वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी मेकिंग ऑफ अर्थ ऑफ स्टोन, राउंड 12 की वीडियो है जी। और अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पे जो वीडियो आई है राउंड 12 की, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी, वहाँ पे हमने अपलोड की हुई है, रिएक्शन उस पर दिया हुआ है। ये सिर्फ मेकिंग ऑफ जो उनके ओरिजिनल चैनल पे अपलोड हुई है ना, वो हम लेके आए हैं अभी ब्लॉग में, और अभी ये देखते हैं। और लेकिन अगर आपने वीडियो देखनी है प्रॉपर तो वो जाके दूसरे चैनल पे देखें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देसी वी रिएक्शन 2.0 के नाम से है। लाजमी जाएं उसको सब्सक्राइब भी करें, और उस पर फनी वीडियो, रोस्टिंग वीडियो और सारी वीडियो आएंगी, लाजमी जाएं जी उस पर। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। Yeah.
Yes.
बड़े लोगों को जरूरत नहीं होती है लाजमी वहां पे जाएं, सब्सक्राइब करें, वहां पे रोस्टिंग वीडियो, राउंड वाले की वीडियो और भी कोई फनी वीडियो जो है उधर भी आएंगी और लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो का भी देखें रिएक्शन हमारा। तो ये एक सिर्फ मेकिंग था इसलिए ये हम इस पे लेके आए हैं और लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है दूसरे पे है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे जा नहीं रहे तो पता नहीं क्या है वहाँ पे, कोई चींटियाँ हैं जो आपको काटती हैं। तो जाएं यार सब्सक्राइब करें, इतने सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, अभी 150 भी नहीं हुआ तो लाजमी जाएं यार सब्सक्राइब करें उस चैनल को और वहाँ पे भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं, डेली की एक वीडियो वहाँ पे आती है तो लाजमी जाएं। और बाकी बात करेंगे तो इनकी वीडियो बाकी बहुत अच्छी होती हैं और मजे वाली होती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो है वो इतनी ज्यादा वो कह रहे हैं खास किस्म की नहीं बनाई गई, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उनकी होती है, डायलॉग बाजी उनकी होती है, लेकिन जो ये इंडिविजुअली बनाते हैं ना अपने ओरिजिनल चैनल पे, मेन चैनल पे, वो वीडियो देखने वाली होती है और इनकी वीडियो लाजवाब होती है। और जब इनकी वीडियो आती थी तो उस वक्त तो यकीन करें यूट्यूब के भी एल लगे होते थे, वो ही परेशान होता था कि ये किसकी वीडियो आ गई है, सीरियसली कह रहा हूँ। और बाकी ये है कि वीडियो अच्छी इन्होंने क्रिएट की थी वो भी, और ये जो इन्होंने बनाया व्लॉग इसमें भी फन लेके आए हैं और जो अमेरिका से आया हुआ है गोरा उसके साथ जो फन किया है इन्होंने वो बहुत अच्छा था, और उसके साथ फन करते करते इनका टाइम भी गुजर गया और वो शुगर मेला भी लगता रहा ओरिजिनल जो है। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, व्लॉग अच्छा था इनका, मेहनत होती है यार वीडियो के पीछे, 3-4 दिन का इन्होंने शूट किया था वहाँ पे, तो बाकी मजा आया जी वीडियो देख के। बिल्कुल जी, वीडियो जबरदस्ती ब्लॉग था ना, तो बाकी यार मेरे को अंदाजा नहीं था कि ऐसी वीडियो किस तरह बनती है या उनके पीछे कितनी मेहनत होती है, ये मेरे को नहीं पता था। तो साथ साथ में वो लड़के बता रहे थे कि ये 5 दिन हो गए हैं ये एक सीन करने के लिए, और बार बार कर रहे हैं, दिखा रहे थे वो बार बार कर रहे हैं, तो मतलब रियलिटी अच्छा ओरिजिनल जो लगे ना वो बनाने के लिए बहुत बोलते हैं मेहनत हो रही है। मेरे को नहीं, मेरे को लगता था कि मतलब इतना सिखाया जाता है एक या दो बार में हो जाता है, पर वो बोलते हैं इतने बार ही करते हैं हम लोग तो फिर जाके जो हमको सही लगता है फिर उसको हम लोग रखते हैं, तो बड़ी मेहनत होती है यार ये। तो मतलब ये कह लो कि इनकी तो 10-15 मिनट की वीडियो होती है तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो फिल्में बनती हैं उनका हिसाब लगाएं वो कितनी फिर मेहनत होगी, उसके पीछे कितनी फिर वो एफर्ट करते होंगे या कैसे कैसे मतलब वो मतलब अभी मैं वर्ल्ड यूज क्या करूँ भाई, मतलब वो इतने इतने मतलब नौटंकी करनी पड़ती है, तो एक सीन क्रिएट होता है उसने कम से कम 6 से 8 बार मतलब वो काम किया फिर भी वो वर्ड यूज नहीं कर सका, मतलब इतना मुश्किल होता है यार, ये मेरे को फिर पता चल रहा है कि ये वीडियो बनाना दिया था कि सिर्फ इतना बोल रहा है कि पापा ठीक है ना शाम को बात करेंगे अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो उस पे 12 कट हुए हालांकि जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने महकमा मुरासियात की डिग्री में PhD किया है, वो लड़का जो है ना मैं भी जानता हूँ उसको मेरे गाँव का, तो वो लड़का जो है ना किसी को बोलने नहीं देता, एक वक्त था वो किसी को बोलने आपके गाँव का नहीं है, नहीं जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, या दूसरी बात करें मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हमारे गाँव का है, और वो किसी को बोलने नहीं देता इतना वक्त, इसको एक डायलॉग बोलने के लिए बोला तो वो वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मतलब ये कितना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होता। फिर पाकिस्तान के वो लड़के जो बहुत छाए हुए हैं तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ बहुत आए रोज इतनी बोलते हैं 2-3 दिन में हम लोग वीडियो बना लेते हैं एक ना, तो उनकी वीडियो भी बहुत हाई लेवल पे चल रही है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मतलब पीछे वाली मेहनत जो है ना वो नहीं पता होता कितनी एफर्ट ये लोग करते हैं, कितने करते हैं तो पैसा कमाते हैं, ये आसान नहीं है। वो हमारे लड़के पाकिस्तान के वो खिजर उमर लोग वो इंडियन भी बहुत ज्यादा देखते हैं, तो आप जानते होंगे वो इस टाइम हाई लेवल पे चल रहे हैं, वो भी
फेसबुक भी उनका बहुत मतलब काम करता यार। मैंने अभी कल एक वीडियो देखी है तो वो मैंने ना इस पे मैं चेक किया है कि मतलब ये क्यों येलो साइन लगता है। वो बोलते हैं कि कोई वर्ड ऐसा है ना यूज होते हैं ना मतलब वो थोड़ा सा भी उसका मतलब उसका बैग वो वर्ड के बैग में जो लफ्ज आते हैं मैंने बंद है वो भी अगर आएगा यूट्यूब उसको भी पकड़ लेते हैं कि मतलब ये भी आप मतलब लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये चीज नहीं चीज क्योंकि इस तरह फनी चीजें काफी सारी होती हैं जो कि यूट्यूब से खत्म हो जाएगी। यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मैं एक चैनल बनाया हुआ तो मैंने उसमें ना वो पिछले आपने बहुत ज्यादा फर्क कर दिया मेरे साथ भी इसलिए पता क्या हुआ सकलेन भाई वो ना मैंने एक वीडियो जो पिछले दिनों लड़के को नहीं मारा वो जो चरपाई में उसको घुसा कर जूते मारे हैं वो मैंने बोला यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियो में लोगों को बताता हूँ तो मैंने डाली तो उस टाइम मेरे को दो मेल उनके आ गए कि आप जो कर रहे हैं तुम ये नहीं अपलोड कर सकते ये वार्निंग है तुम्हें तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है फिर भी इन्होंने मेरे को सख्त ज़बान यूज़ की। मैंने वो पढ़ा था बाद में ना उसको उर्दू में करके तो वो बहुत सख्त लफ्ज़ उन्होंने बोले कि ये बच्चों की तजलील है तो तुम ये मतलब ऐसी वीडियो यहाँ नहीं डाल सकते। इतनी मतलब यूट्यूब की मतलब एल्गोरिथम जो है बहुत हार्ड हो गया। उन्होंने विद इन सेकंड मेरी ये वीडियो पकड़ ली है विद इन सेकंड मैंने डाली है मैं दूसरी तरफ गया मैं बोलता हूँ बाद में चेक करता हूँ विद इन सेकंड मेरे को जो दो मिले बिल्कुल परफेक्ट मीम्स भी हूं साफ सुथरे भी हूं YouTube भी यही देगा YouTube भी बहुत आ रहा है ये तो बहुत से ट्रिक रूल है ये सब हो गया। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये अब YouTube जो है ना ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से खत्म होता जाए तो खत्म हो रहा है यार ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर अगर ये मतलब वो क्या लोग ना चौथा बंदा हो यार हम तो किसी की वीडियो यूज करते हैं ना हम इतनी चलो मेहनत लेकिन जो मेहनत करके स्क्रिप्ट लेके वो वीडियो क्रिएट करता है जैसे राउंड टू एल की मिसाल ले लेते हैं या कोई और मिसाल ले लेते हैं राउंड टू एल की ज़ाहिर वीडियो है राउंड टू एल की मिसाल ले लेते हैं तो राउंड टू एल की जो है वो एक महीना डेढ़ महीना लगा के एक वीडियो तैयार करते हैं वो एक घंटे की होती है या 45 मिनट की होती है अगर उस पर येलो साइन आ जाए तो यार यकीन करें उस वक्त बंदा टूट जाता है और जो वो जितनी मेहनत करते हैं ना उस मेहनत पे पानी फिर जाता है उनकी तो ये चीज अच्छी नहीं है। YouTube को सोचनी चाहिए थोड़ी सी कि जो लोग ये मेहनत करते हैं ना उनकी मेहनत का पानी ना फिरे। हाँ अगर कुछ बीच में वर्ड है तो उनको ये होना चाहिए कि अपलोड करने के साथ बताएं कि ये वाले वर्ड बीच में से काट ऐड करो या फिर यहाँ पे बीप लगा दो एक सिंपल बात है दिखाने चाहिए नहीं है ये वर्ड यूज नहीं कर रहे आपकी वीडियो सेफ रहेगी वर्ड यूज हो ही जाते हैं डायलॉग बाजी में आ ही जाते हैं पहले ही वो हाईलाइट करते हैं बीप में यूज करते हैं हमेशा बीप में यूज करते हैं लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं जिस वीडियो जिस बात पे YouTube कर रहा है वो बात आप लोगों को समझाए कि ये वाली आपकी वीडियो में यूज हुई है तो ये अगर बीप लगा लेते हो तो फिर जो है वो एडिटेबिलिटी वो हम कर देंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो नहीं नेक्स्ट टाइम भी ना ऐसा हो अब बंदे को याद नहीं रहता यार कौन कौन से वर्ड है ठीक है वर्ड काफी सारे होते हैं कोई इंग्लिश में होते हैं कोई पंजाबी में होते हैं कोई हिंदी में होते हैं हिंदी में भी अगर आपने बोल दिया तो वो उस पर भी आ जाता है और मिलता उस पर कुछ भी नहीं है तो फिर वो एंटरटेनमेंट का जो एक जरिया है वो खत्म होता जाएगा यूट्यूब से जैसे राउंड ट्वेल्व हो गया हर्ष बनीवाल हो गया आशीष चलचलानी हो गए अब मेरे देख लें वो कितने की वीडियो बनाते हैं बेशक वो ओटीपी फॉर्म पे चले गए हैं प्लेटफॉर्म पे लेकिन फिर भी वो YouTube को कभी भी नहीं छोड़ सकते जिस जगह से वो ऊपर आए हैं लेकिन वो अगर डालेंगे वीडियो तो साल में एक दफा डाल देंगे लेकिन अगर वही अगर YouTube उनको फायदा देगा तो वो महीने दो महीने बाद एक लाजमी वीडियो अपलोड करेंगे। ये इसी वजह से उन्होंने भी प्लेटफॉर्म ये छोड़ना शुरू कर दिया और ये मैं कहता हूँ कि नुकसान है YouTube का अपना नुकसान है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं तो साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी बारिश की वजह से उनका एक सीन था तो बारिश की वजह से उनको वही सीन करने में 5 दिन लग गए तो काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद वो जारी बात है बंदा तवक्को भी रखता है कि यार ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका सिला भी वो उस तरह का ही मिले जैसे मैंने की है।
तो ब्रिटिश बंदा जो उन्होंने बुलाया हुआ था उसकी एक लाइन थी कि तेरी बहन का, तो उस बेचारे को इतनी ज्यादा वो मतलब कि टाइम लगा वो बोलने में, और फिर भी वो सही प्रॉपर नहीं बोल सका जैसे उसको बोलना चाहिए था। तो बाकी जिस तरह वो सॉन्ग गा रहा था, तो हमारे यहाँ अगर किसी के डेथ है तो जे ना, तो वो पुराने दौर की जो माइयां है ना, वो जब आती हैं तो रोने की एक्टिंग करती हैं, मतलब उनको उतनी दुख या उतना उतनी तकलीफ होती नहीं है जितना वो दिखा रही होती है। तो वैसा लग रहा था कि जैसे बेचारा वो बहुत ही दुखी है और वो अंदर से गुनगुना रहे, रोकर अपना दुख सुना रहे। तो भार्गव जी बहुत ही अच्छी वीडियो क्रिकेट करते हैं, इनको भी सपोर्ट करें, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप तो हमारे साथ एक फैमिली की तरह अटैच है, और हम एज अ फैमिली मेंबर आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बिल्कुल, दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देसी भी रिएक्शन 2.0 के नाम से, तो लाजमी जाए, वहां पे ओरिजिनल वीडियो पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, और वहां पे भी प्यार, वहां पे भी राइट टू हेल वाला हिसाब हो गया हमारा, क्योंकि वहां पे भी लोग नहीं आ रहे। और लेकिन ये है कि लोग इंटरेक्ट होते हैं, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी बिहाइंड कैमरा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, स्ट्रगल होती है कहीं ना कहीं। और हमारा मकसद है आप लोगों को एंटरटेन करना, बिल्कुल, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, मतलब कि डिफरेंस टाइप का जो भी हम वर्क कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल, प्लीज हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, करनी हमें चाहिए। आपकी बहुत सारी और सपोर्ट्स की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम था यूट्यूब पे, और अभी वो मुझे अजीब फील होता है जब वो स्क्रिप्ट से हटके किसी और की स्क्रिप्ट कर रहे हैं, किसी और के थ्रू किसी और के नीचे काम कर रहे हैं। क्या हाँ पता अपना काम करने की आदत उसको हो जाती है अपने बिजनेस की, अपने तरीका कार के साथ, तो लोग भी उसके साथ अटैच उसी तरीके होते हैं जो उस कैटेगरी के होते हैं जैसे हम थे, और बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग थे जो आप देखते थे। और क्योंकि जब वीडियो आनी होती थी एक हफ्ता पहले ही कमेंट शुरू हो जाते थे कि यार उनकी वीडियो आने वाली है, ध्यान रखिएगा वीडियो। तो हम कम अगर से कम पहले 100-150 कमेंट आता था तो हम अगर पहले कर देते थे, करो करो। हम अगर 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले रिलीज हुई है तो 1 घंटे बाद कर दिया, तो कुछ कमेंट पॉजिटिव आते थे, कुछ उसमें से ही लोग कहते थे कि यार आपने ज्यादती की उनके साथ, आप उनकी वीडियो अभी अपलोड हुई है आपने उठा के अभी आप रिएक्शन दे दिया है, आपको शर्म नहीं आती, आप वेट नहीं कर सकते, आप कुछ घंटे वेट कर दें, उनको अपना क्रेडिट लेने दें, वीडियो उनकी चलने दें, उसके बाद आप उसके ऊपर रिएक्ट करें। लोग उधर भी प्यार को दिखाते थे, इधर भी दिखाते थे, लेकिन लोगों को वेट होता था, वो एक्साइटमेंट का लेवल अलग क्योंकि था। YouTube ने फिर वही बड़ी शक्ति वो कर बड़ी उन्होंने बड़ा अजीब किया है प्रोग्राम में, हमने वीडियो की थी वो उसमें आए थे, वो क्या 3 है और चौथा किधर है, तो चौथा देख रहे, चौथा तकेश की गोल, वीडियो थी, हाँ तकेश के, बोलता है तकेश येलो साइन वो आपके साथ होगा ना अब, तो वो हंस रहा था उसमें, उसमें नहीं आएगा मेरे ख्याल में, लेकिन ये जितने भी स्किट वीडियो बनाते हैं इनकी वीडियो देखने लायक होती थी। और यकीन माने हम राउंड टू हेल की ओरिजिनल वीडियो तो देखते थे, उसके बिहाइंड द सीन देखने में इतना मजा आता था, क्योंकि ऐसे ऐसे शोले इन्होंने लगाए होते थे, ऐसा ऐसा काम होता था, एक पता नहीं 1-1.5 महीना एक गांव में गुजारा है इन्होंने, अपनी सारी पर्सनल लाइफ छोड़ के वहां पे सेटल हुए हैं, वही कपड़े पहन के, वही उनका खाना, वो एक चाचा जी थे, एक वो हाला जी थी उनके साथ, वो गाँव के साथ इनके रिलेशन बन गया अलग, मीन्स के उन्होंने 1-1.5 महीना अपने काम के लिए वहां पे सरवाइव किया। तो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको अगर सिला ना मिले एट दी एंड, किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, फेम उनको मिल गया लेकिन पैसा तो चाहिए, जरूरियात जिंदगी है, ऐसा तो जरूरी होता है ना, जहर खर्चा किया और वो खर्चा तो कम से कम निकले ना। वो नहीं अगर नहीं करा तो, क्योंकि बंदे का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हमने देखा है, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, अभी इनका लाइफ स्टाइल बड़ा चेंज हो गया है, और वो पता नहीं 4 साल पहले 5 साल पहले इन्होंने ली थी नई गाड़ी, इन्होंने ली थी बोलेरो मेरे ख्याल में इसने वसीम भाई ने, और अपनी माता को गिफ्ट की थी उस टाइम, तो वो किस में से आई थी, चैनल में से। तो उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितनी गाड़ियां ली, उसके बाद जैन ने मेरे ख्याल में ली, तो ये एक सिलसिला चल पड़ता है, वो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो जब लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है यूट्यूब से आ रहा है, यूट्यूब को भी फायदा है, बिल्कुल और ये तो वीडियो क्रिएट करेंगे लोग इनको देखेंगे, और वही बात के वो अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए, हमें भी अफसोस होता है, हम देखते हैं तो, और हम जैसे गायब हो गए थे कुछ लोगों को अफसोस हुआ कि यार किधर चले गए, वापस आए हैं, हम आपको देखते हैं, चाहते हैं आप लोगों को, तो आना पड़ता है, करता है बंदा कुछ ना कुछ, कोशिश कर रहा होता है कहीं ना कहीं, वो जुगाड़ लगा हुआ, लेकिन ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, कोई ना कोई आने वाले वक्त में आवाज जरूर उठाएगा और यूट्यूब इसके बारे में सोचेगा। पर ओवरऑल वीडियो जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी,
अच्छी क्रिएशन थी और अच्छे बिहाइंड द सीन थे, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, कर दें सपोर्ट प्लीज यार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।